पूरी दुनिया में अभरक नगरी के रूप में प्रसिद्ध कोडरमा का राजनीतिक इतिहास समय के साथ बदलता रहा है। यहाँ पहली बार 1952 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अवध बिहारी दीक्षित विजेता होकर विधायक बने थे, तो 1957 में छोटा नागपुर संताल प्रगना जनता पार्टी के जेपी त्रिपाठी ने जीत हासिल की थी। शुरुआती दो विधानसभा चुनावों के बाद इस सीट पर कभी संघर्ष सोशलिस्ट पार्टी के विश्वनाथ मोदी तो कभी कांग्रेस के राजेंद्र नाथ दा जीते। हालांकि वर्ष 1990 में अचानक इस सीट पर बड़ा फेरबदल हुआ और कोडरमा से जनता दल के उम्मीदवार रमेश प्रसाद यादव विधायक चुने गए। इस जीत के बाद लगातार कई वर्षों तक चुनाव की धुरी रमेश यादव और बाद में यहां से विधायक बनी उनकी पत्नी अन्नपूर्णा देवी के इर्द गिर्द घूमती रही। रमेश यादव के निधन के बाद 1998 के उपचुनाव में सहानुभूति लहर के बीच राजद की अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा के रमेश सिंह को हराया और इसके बाद वह लगातार तीन बार जीती। वर्ष 2000, 2005 और 2009 में विधायक चुनी गई। राजद के इस गढ़ में पहली बार वर्ष 2014 में भाजपा की उम्मीदवार डॉक्टर नीरा यादव ने सेंध लगाई, दिग्गज महिला नेत्री और मंत्री रही अन्नपूर्णा को पराजित किया। जीप उपाध्यक्ष से अचानक भाजपा की उम्मीदवार बनी डॉक्टर नीरा ने एंटी इनकमेंसी और जातीय समीकरण को तोड़ते हुए 13,525 मत के अंश से जीत हासिल की थी। विधानसभा के इस चुनाव के बाद पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार का दौर चलता रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तेजी से बदले समीकरण में अन्नपूर्णा देवी ने भाजपा का दामन थाम लिया और कोडरमा से भाजपा की सांसद बनी। अन्नपूर्णा के भाजपा में आ जाने से कोडरमा में एक तरह से विपक्ष की उम्मीदवारी को लेकर अभी बड़ा चेहरा नजर नहीं आ रहा है। वर्तमान मंत्री को विपक्ष से ज़्यादा अपनों से चुनौती मिलेगी और इन्हीं दावेदारों में से कोई एक टिकट नहीं मिलने पर दूसरी तरफ मजबूती से मोर्चा संभाले नजर आएगा।